हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे किंग ऑफ सैंडविच। तो ये स्ट्रीट साइड में मिल जाता है, तो आज हम इसे घर पे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें ब्रेड के स्लाइस चाहिए 4। और बेसन लिया है, चीज़, बीटरूट ग्रेट करके लिया है, और गाजर ग्रेट करके लिया है, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, बटर, नमक और बेकिंग सोडा। तो कुछ सब्जियां ली है, तो बारीक कटा टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया, पत्ता गोभी और हरी मिर्च और शिमला मिर्च। तो सबसे पहले हमें बेसन का घोल बनाना है। तो इसके लिए हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। हल्दी, और बेकिंग सोडा, 2 से 3 चुटकी मैंने बेकिंग सोडा इसमें डाल दिया है। तो हमें इसका पतला सा गोल बनाना है। पकौड़े से थोड़ा सा इसे पतला बनाएंगे। तो इस तरह से हमें गोल बनाना है कि ब्रेड की स्लाइस जो है वो आसानी से इसमें डिप हो जाए। तो घोल हमारा रेडी है। तो हम अब कुछ सब्जियां है जो हमने जो कटी हुई सब्जियां है वो थोड़े मिक्स कर लेते हैं। तो बारीक कटी शिमला मिर्च, प्याज और पत्ता गोभी। टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, गाजर थोड़ा सा। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो सब्जियां भी हमारी रेडी हो चुकी है और हमने जो बैटर बनाया है वो भी रेडी है। तो अभी हम सैंडविच बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है और आंच को मैंने थोड़ा कम ही रखा है। अब इसमें हम बटर डाल देते हैं। अभी एक स्लाइस को लेते हैं और जो बेसन का जो हमने जो बैटर बनाया है इसमें हम डिप करेंगे। अब इसे रख देते हैं और दूसरी स्लाइस भी हम इसी तरह से डिप करेंगे और बिल्कुल इसे चिपक के इसे डालना है इस तरह से। अभी तुरंत ही हमें जो हमने जो सब्जियां जो मिक्स करके दी है वो उसके ऊपर हम डाल देते हैं। और आंच को मैंने थोड़ा कम ही रखा है। तो सब्जियां आपको जो बेसन का जो हमने घोल बनाया है वो गीला रहते ही आपको सब्जियां उसके ऊपर डालनी है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब इसके ऊपर हम जो बीटरूट हमने ग्रेट करके रखा है वो भी डाल देते हैं। और अब हम आंच को थोड़ा मीडियम कर लेंगे और हमने जो सब्जियां इसमें इसके ऊपर डाल दी है तो इसे थोड़ा हम प्रेस कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए।
तो अभी इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। तभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल देते हैं। तभी एक साइड हमारी हो चुकी है, तो अभी हम इसे पलट देते हैं। तो इसे थोड़ा संभल के इसे पलट दीजिए, क्योंकि ये हेवी हो चुका है। तो इसे भी थोड़ा हम प्रेस करते हुए इसे थोड़ी देर के लिए पकने तक, हमने जो सब्जियाँ इसमें डाल दी है इसका कच्चापन जाने तक हम इसे थोड़ा सा मीडियम आंच पे इसे पकाएंगे। तो इसे हम थोड़ा सा दबाते हुए इसे प्रेस करते हुए इसे इस तरह से कर लेते हैं। ताकि ये अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे। तो अभी दूसरी साइड भी हो चुके हैं, तो अभी हम इसे भी पलट देते हैं। तो सब्जियाँ भी हमने जो डाल दी थी वो भी अच्छे से पक चुकी हैं, तो अभी इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। तो अभी चीज़ हमने डाल दिया है, तो अभी हमने जो सब्जियाँ जो रखी थी बचा के, तो उसे भी हम थोड़ा थोड़ा इस पे डाल देते हैं। तो बारीक कटा प्याज डाल रही हूँ मैं। बस थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है। और शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और टमाटर थोड़ा सा, हरा धनिया, तो अभी इसे हम कट कर लेते हैं। जो हमने स्लाइस रखी थी दो, तो उसे हम अलग कर लेते हैं। अभी इसे हम फोल्ड कर लेंगे। और इसे हम बाद बीच में से भी इसे हम थोड़ा सा कट कर लेंगे, दो हिस्सों में इसे काट लेंगे। तो अभी हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है, तो अभी हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अभी हम इसकी प्लेटिंग भी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा किंग ऑफ सैंडविच रेडी है। तो आप इसे घर पे ज़रूर बना कर देखिए, अलग सा सैंडविच है। तो मैंने इसे प्लेटिंग भी कर लिया है और एक सैंडविच मैंने बना लिया था। तो अभी इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे फिर से। और आप इसे सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं, या तो फिर ये ऐसा ही अच्छा लगता है। तो आप इसे घर पे ज़रूर बना कर देखिए, बिल्कुल नई रेसिपी है अलग सी। तो हमारा किंग ऑफ सैंडविच रेडी है।
तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।